अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हबीब लोधी। कॉपी डॉट पी के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं, कंपैरिजन करने लगे हैं M2700, M2701 और M2702 का। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए कॉपी डॉट। बहुत सारे क्लाइंट हमें इस चीज़ का कंपैरिजन बनाने का काफ़ी अरसे से बोल रहे थे कि हमें 2700 मशीन क्या चीज़ है और 2701 क्या है और 2702 क्या है, हमें इनका डिफरेंस बताइए। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग इसको देखना चाहते थे कि 2700, 2701, 2702 में क्या फर्क है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, उससे आपको दोस्तों पता लगेगा कि तीनों मशीनों में क्या डिफरेंस है और मशीनों के साथ आपको क्या क्या फंक्शन मिलने वाले हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलने वाले हैं। जिस मशीन को आप इस वक्त देख रहे हैं ये है रिको की M2700 मशीन, सिंपल प्लेटन कवर के साथ है जैसा कि आप देख रहे हैं। जिस प्राइस में ये मशीन है, इसके फंक्शंस और अदर मशीन्स की निस्बत ये काफ़ी अच्छी आपको चीप प्राइस में पड़ने लगी है। इस मशीन के जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको अपनी तफसील में बता देता हूँ आपको कि इस मशीन में 27 CPM मशीन है। 27 CPM में इस प्राइस में बहुत ही इकोनॉमिकल मशीन है ये, इस प्राइस में कोई मशीन मिलने नहीं लगी आपको। और हम जो मशीन ये ऑफर कर रहे हैं वो भी ट्रॉली आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर प्लेटन कवर है सिंपल, और उसके बाद इसका पैनल है, पैनल पे USB आपको डायरेक्ट फ्लैश प्रिंटिंग मिल जाती है जो कि तीनों मशीनों में अवेलेबल है, 2701 में भी अवेलेबल है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपको इसमें जो है वो ADF नहीं है इंक्लूड, जो कि 2701 में इंक्लूड है। 2701 में आपको पैनल सेम है, वही फ्लैश आप डायरेक्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं, ADF इसमें इंक्लूड है। ARDF है, ये ऑटोमेटिक रिवर्स डॉक्यूमेंट फीड है। डुप्लेक्स दोनों मशीनों में बिल्टन है, दोनों मशीन में सॉर्टिंग है, सेम ट्रे है इन दोनों की, दोनों में 5500 की शीट्स की ट्रे है, बाईपास है 100 शीट्स का और आउटपुट ट्रे इसकी 250 शीट्स की है। थर्ड वन पर आते हैं हम, तो इसमें आपको स्मार्ट पैनल मिल जाता है, तकरीबन 7 इंच का पैनल है इसका स्मार्ट पैनल, और इसके अलावा ARDF है इसके अंदर। जो 2701 का ADF है उसमें आप 50 शीट्स लगा सकते हैं, जो आपको 2702 में ADF मिलता है उसमें आप 100 शीट्स लगा सकते हैं। दोनों के ADF में भी फर्क है, और जबकि 2700 में तो सिर्फ सिंपल प्लेटन कवर। 2700, 2701 और 2702 तीनों मशीनों में सेम टोनर लगता है, टोनर 2014 वाला, तीनों मशीनों में सेम टोनर आपको नजर आ रहा है। 2700 और 2701 में फैक्स ऑप्शनल में भी मौजूद नहीं है और वैसे भी इसमें मौजूद नहीं है। 2702 मशीन जो है 2702 जो है इसके अंदर आपको ऑप्शनल में फैक्स भी मिल जाती है। स्कैनिंग की बात करते हैं हम, तो स्कैनिंग आपको इसमें 18 शीट्स जो है आपके मोनो कलर में कर देती है, ब्लैक एंड वाइट इसके 18 पेज स्कैन करेगी ये, और 6 पेज इसके ब्लैक कलर्स के होंगे। 6 कलर IPM कलर्स और 18 IPM ब्लैक एंड वाइट 2701 में ये। इसके बाद हम आते हैं 2702 की स्कैनिंग पर, तो इसमें 50 IPM जो है ब्लैक एंड वाइट आपको मिल जाते हैं और 50 IPM ही आपको कलर में मिल जाते हैं, तो इसकी स्कैनिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है। अगर हम DPI की बात करते हैं तो DPI सेम तीनों मशीनों की सेम है, 600 DPI। रिड्यूस इन लार्ज की बात करते हैं, रिड्यूस इन लार्ज तीनों मशीनों में सेम है, 25% तक आप रिड्यूस कर सकते हैं और 400% तक आप इन लार्ज कर सकते हैं, 1x1 स्टेप भी आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, तीनों मशीनों में ये मौजूद है। 2700 और 2701 में वाईफाई ऑप्शनल में है, जबकि 2702 में वाईफाई स्टैंडर्ड में है। विंडो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो 2700 और 2701 जो है वो सर्वर 2003 से लेकर और 2016 तक सपोर्टेड है। इसके अलावा ये 2702 की बात करते हैं तो ये सर्वर 2003 से लेकर 2019 तक सपोर्टेड है। मेमोरी जो है वो 512 MB है दोनों मशीनों की, और 2702 की जो स्टैंडर्ड मेमोरी है वो 2GB है। 2700 और 2701 मैकबुक पर सपोर्टेड नहीं है, जबकि 2702 मैकबुक पर सपोर्टेड है। फैक्स के जो फीचर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉपी डॉट पी के प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।